गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में हमने अभी अपना चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स किया था कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस क्या दी थी इकोनॉमिक्स की। अगर ओवरऑल मैं फर्स्ट चैप्टर को समराइज करूँ तो हमने 5 टाइप की डेफिनेशंस वहाँ डिस्कस की थी। फर्स्ट वन इज़ वेल्थ ओरिएंटेड, सेकेंड वन इज़ वेलफेयर ओरिएंटेड, थर्ड वन इज स्कार्सिटी बेस्ड, फोर्थ वन इज वॉन्टलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, एंड फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन। इसके अलावा मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि पर्टिकुलर डेफिनेशन के क्या क्या फेवर में चीज़ें थी और क्या क्या उसके क्रिटिसिज्म थे, वो भी हमने डिस्कस किए। वॉन्टलेसनेस डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो वॉन्टलेसनेस डेफिनेशन है वो आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा करके वो आपके एक डेफिनेशन दे रही है। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके थोड़ा सा फर्दर जा रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हम यहाँ करने जा रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स का नेचर और स्कोप हमें डिस्कस करना है तो हमें उसके अंदर तीन चीज़ें डिस्कस करनी होगी। फर्स्ट वन, कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है क्या, क्या होती है इकोनॉमिक्स। सेकेंड, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोनॉमिक्स के। एंड आफ्टर दैट, जो इकोनॉमिक्स है वो दूसरे साइंस के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर ही करते हैं इकोनॉमिक्स का। इसमें देखें, व्यू ऑफ क्लासिकली लिबरल इकोनॉमिस्ट एंड व्यू ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जो क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपकी पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है, कि आप पैसा किस तरीके से अपना कमाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर उन्होंने क्या इंक्लूड किया कि आप किस तरीके से अपने पैसे को यूज़ करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए, वो सारा आपका इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा उसके अंदर वेलफेयर भी है, स्कार्सिटी भी है, कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, उन सभी के बीच में यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो क्लासिकली लिबरल में सिर्फ और सिर्फ पैसे पर जोर दिया गया था, और नियो क्लासिकल में पैसे के अलावा फिजिकल वेलफेयर, अनलिमिटेड आपके वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्स, इन सभी पर भी आपका डिस्कशन किया गया था। तो इन सब के बेसिस पे जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स की वो आपके 5 पॉइंट उसके अंदर होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, कंजप्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कंजप्शन है। देखिए, कंजप्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पर्सनल एंड कलेक्टिव रिक्वायरमेंट। कंजम्पशन क्या है आपकी, देखिए कंजम्पशन क्या है आपकी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। कंजम्पशन इज रिगार्डेड टू बी बोथ आउटसेट एंड गोल ऑफ इकोनॉमिक बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा आर परफॉर्म फॉर कंजप्शन इट्सेल्फ। और कंजप्शन को क्यों बोला जाता है उसका सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सभी जो आपका कंजप्शन बेस्ड ही है। कंजप्शन बेस्ड कैसे होगा, अगर आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो कोई चीज़ कंज्यूम करना चाहते हैं सिर्फ तभी आप प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो अपने कंज्यूमर तक उस चीज़ को पहुंचाने के लिए आप उसको सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। ओके, तो कंजप्शन उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट है इसमें, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वैल्यू आप किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इज प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जो ये सारे आपके सोर्सेज दे रखे हैं वही आपके प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज एसोसिएटेड विद सेल एंड परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वॉन्ट्स। एक्सचेंज किस लिए ज़रूरी है आपका, जो आपने गुड्स बनाए हैं उनको आपको कंज्यूम करना है इसके लिए ज़रूरी है, और अपने वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए। इन्वेंशन ऑफ करेंसी, करेंसी आना, ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम मेड एक्सचेंज एन ईजी अफेयर। देखिए, जो बार्टर सिस्टम में आपकी कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए आपका करेंसी आया और उसने आपके एक्सचेंज सिस्टम को और भी ज़्यादा ईजी बना दिया। Now all the goods and services are sold and purchased using currency. आज के टाइम में सारे गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, करेंसी का यूज़ करके। द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन करेंसी इट्सेल्फ। जो प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी है कि किस तरीके से प्राइस सेट किया जाना चाहिए, वो आपकी करेंसी पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, अभी तक हमने तीन सब्जेक्ट मैटर किए हैं, पहला कंजप्शन, दूसरा प्रोडक्शन और थर्ड एक्सचेंज। इसके अलावा फोर्थ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट
efforts of various sources. Therefore, it is very important to determine the remuneration for every source of production under the process of production. And this is associated with income distribution. देखिए कह क्या रहा है कि production करने में अलग अलग resources हमारी help करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक resources को हमें कितना remuneration देना है, कितनी salary देनी है. और यही जो आपकी salary देने वाला task है, ये आपके income distribution से related है. Under this, it is understood what is national income. इसके अंदर हम क्या study करते हैं कि national income क्या होता है, how should this be evaluated, किस तरीके से उसे measure किया जाता है, and how should interest, revenue, wages, profit, etc. be determined. और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप calculate करते हैं. Along with this, it is also ensured whether the national income is being judicially distributed or not. इसके अलावा ये भी यहाँ समझा जाता है कि जो national income है वो अच्छे तरीके से distribute की जा रही है या नहीं की जा रही. At present, the foremost duty of a state is economic welfare of the people. आज के time में जो एक state की सबसे बड़ी ड्यूटी है वो क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर करना. दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक स्फेयर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. जो आपका इकोनॉमिक स्फेयर है, इकोनॉमिक जो स्फेयर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज भी यहाँ पे हो रहा है. इसके अलावा देखिए पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस क्या कहता है, स्टडी ऑफ पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिशिट फाइनेंसिंग सिस्टम, टैरिफ सिस्टम एक्सेट्रा आर डन अंडर दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. इस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं कि पब्लिक इनकम क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, डेफिशिट मतलब होता है घाटा, घाटा क्या है हमारा, टैरिफ सिस्टम्स क्या क्या हैं, ये सभी हम इसके अंदर पढ़ते हैं. अलोंग विथ टाइम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो चेंजिंग. और टाइम के साथ साथ जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो अभी देखिए हमने सब्जेक्ट मैटर में क्या पढ़ा है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, कि ये सारी चीज़ें आपके इकोनॉमिक्स से किस तरीके से रिलेटेड होती है. कंजप्शन सबसे ज़्यादा रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि कंजप्शन करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं. प्रोडक्शन के बाद आपको उस चीज़ को एक्सचेंज करवाना होता है. एक्सचेंज करवाने के बाद आप उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, सैलरीज देते हैं. और इसके बाद आपके पब्लिक फाइनेंस को चेक किया जाता है कि पब्लिक फाइनेंस में वो चीज़ें किस तरीके से आपकी इंक्लूड है, कि आपको इनकम है, एक्सपेंडिचर क्या है आपका, आपको घाटा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, हुआ क्या है, टैरिफ सिस्टम्स आपके क्या क्या रहे हैं. ओके, तो ये तो था आपका सब्जेक्ट मैटर. अब जो है हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर मतलब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हैं. अब हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. देखिए नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इसमें कन्फ्लिक्ट रहता है कि इकोनॉमिक्स इज वेदर इज साइंस और वेदर एन आर्ट. बट हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे दैट इकोनॉमिक्स है क्या, साइंस है, आर्ट्स है. इसके अलावा देखिए और क्या है इसमें, क्या क्या हम स्टडी करेंगे, क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है. अगर इकोनॉमिक साइंस है तो वो कौन सी साइंस है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है. क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है या फिर इकोनॉमिक्स दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस आप इन चारों पॉइंट से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या है, क्योंकि हमने चारों डेफिनेशंस में कहीं ना कहीं पढ़ा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की होता क्या है. सो नो डाउट, पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स साइंस भी होती है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी होती है. दैट मीन्स इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. ओके, सबसे पहले हम इस इकोनॉमिक्स एज साइंस से स्टडी करते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है. देखिए अगर हमें किसी चीज़ को ये प्रूफ करना है कि हाँ इकोनॉमिक एक साइंस, अगर हमें ये स्टडी करना है कि इकोनॉमिक्स साइंस है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है, हम साइंस कैसे कह सकते हैं. तो देखिए, साइंस इज सच अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट स्टडी ऑफ नॉलेज विच एंटरप्रेंस द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. साइंस क्या होता है, वो सिस्टमैटिक और स्टडी है नॉलेज की, जो हमें ये बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, कि अगर कुछ काम हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर रहेगा. ठीक है, और साइंस हमें यही बताती है. देखिए, साइंस परफॉर्म्स सब्सटेंशियल एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंट स्टडीज. देखिए साइंस बताता क्या है हमें, एनालिसिस ऑफ एन इंसिडेंट, कि एक इंसिडेंट का एनालिसिस क्या है, किस तरीके से हुआ, स्टडी इट सिस्टमेटिकली और उसके बारे में हमें स्टडी करना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस एंड स्टडी इट फॉरकास्ट एंड मेक प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग एनी फैक्ट. और इसके बेसिस पे ये क्या करता है, हमें फॉरकास्ट देता है या बताता है कि इस फैक्ट का ये रिजल्ट यहाँ रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. और इन सभी बेसिस पे, मतलब इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक्स एक साइंस है. देखिए फर्स्ट क्या है, यूज ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर.
इकोनॉमिक्स यूज अ साइंटिफिक प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. साइंस की तरह ही इकोनॉमिक्स भी क्या है, साइंटिफिक प्रोसीजर का यूज करता है ताकि वो कॉज और कॉन्सिक्वेंस के बारे में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस. और इन्हीं इसी एनालिसिस के बेस पे क्या बनते हैं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल और रेगुलेशंस बनते हैं. ऑब्जर्वेशन इज डन इन कॉन्टेक्स्ट टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप. ऑब्जर्वेशन की जाती है बिहेवियर एनालिसिस के लिए ग्रुप की और इंडिविजुअल की. हाइपोथेसिस इज मेड एंड इवेल्यूएटेड. उसके बाद हमारे हम अपने माइंड में कुछ हाइपोथेसिस करते हैं, कुछ एक अवधारणाएं करते हैं, सोचते हैं, एंड आफ्टर दैट सम इकोनॉमिक रेगुलेशंस इज फॉर्म्ड. और उसके बाद कुछ एक इकोनॉमिक रेगुलेशंस बन जाती हैं. दिस मीन्स दैट साइंटिफिक प्रोसीजर इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स. इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स में साइंटिफिक प्रोसीजर्स को आपके यूज किया जाता है, ठीक है. इसके बाद पावर टू एक्सप्लेन. एन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द इकोनॉमिक इंसिडेंट इन अ करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट वे बाय फॉर्मिंग स्टैंडर्ड रेगुलेशंस. जो एक इकोनॉमिस्ट है आपका, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसने जो भी रेगुलेशन बनाया है उसको आपको एक अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्लेन कर सके कि ये जो है आपका इस तरीके से हुआ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रहा, ठीक है. तो पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ होती है. आफ्टर दैट पावर ऑफ प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के लिए पहले से भविष्यवाणी कर देना. एज इकोनॉमिक्स हैज द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयरफॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैज द पावर टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर इकोनॉमिक्स के पास पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, मतलब वो समझा सकती है चीज़ों को, तो उसके पास पावर ऑफ प्रिडिक्शन भी है. इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स, प्रेजेंट टाइम में मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर को यूज करके एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड ड्यू टू एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और इसके अलावा मॉडर्न टेक्निक्स को हम यूज करके द पावर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन हैज इंक्रीज्ड इवन फर्दर. उस बेसिस पे हमारी जो प्रेडिक्शन की पावर है कि इकोनॉमिक्स प्रेडिक्शन भी कर सकती है, वो भी काफ़ी बढ़ गई है. आफ्टर दैट है सिस्टमेटिक स्टडी. आप इकोनॉमिक्स में एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, आप एक सिंगल सब्जेक्ट को लेते हैं, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ लेते हैं कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका क्या कंजम्पशन रहेगा, उसके लिए क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, कौन कौन से एक्सचेंज के रिसोर्सेज रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे आप, वो सारे जो हैं ये सारा कॉन्टेक्स्ट आपके मनी के फॉर्म में किस तरीके से होगा, ये सभी आप स्टडी करते हैं. तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपने सिस्टमेटिक वे से स्टडी किया है, कनेक्ट करके चीज़ों को स्टडी किया है. ये नहीं कि पहले आप कंजप्शन डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर दिया, ऐसा तो नहीं है. आपने सबसे पहले कंजप्शन के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद आपने क्या किया कि वो मनी से कैसे रिलेटेड है, फिर आपने प्रोडक्शन को डिस्कस किया कि प्रोडक्शन मनी से किस तरीके से रिलेटेड है, ओके. तो सिस्टमेटिक स्टडी होती है यहाँ पे. आफ्टर दैट वैलिडिटी ऑफ लॉज. वैलिडिटी ऑफ लॉज इज एग्जामिन्ड इन एवरी साइंस. हर एक साइंस में वैलिडिटी ऑफ लॉ को एग्जामिन किया जाता है. द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स और आर ऑल्सो बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर एंड दिस अप्लाई इक्वली ऑन द रेजिडेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, जो इकोनॉमिक्स के लॉ हैं वो ह्यूमन नेचर पे बेस्ड हैं और वो हर एक रेजिडेंट पे लागू होते हैं कंट्री के, वर्ल्ड में, चाहे वो कहीं पे भी रह रहा हो, ओके. आफ्टर दैट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस. ये देखिए, साइंस की तरह आपके इकोनॉमिक्स के लॉज जो है वो भी कॉज और कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन बताते हैं. मैनी रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेट्रा क्लैरिफाई द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस. ऑन दिस बेसिस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस. अब देखिए, इस बेसिस पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस कहा है. मैं आपको इसमें लॉ ऑफ डिमांड का बताती हूँ. लॉ ऑफ डिमांड जो क्या है, आपके कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करता है. लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो आपकी डिमांड है ना मार्केट में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है. आपकी जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो जाएगी. अब यहाँ पे देखिए, कॉज क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है कि आपका प्राइस बढ़ा, और उसका इफेक्ट क्या निकल के आया कि मार्केट में डिमांड कम हो गई, ठीक है. तो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन ही आपका एस्टेब्लिश करता है. लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है. मैंने जस्ट आपको एक उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, और ये आपके डेली रूटीन लाइफ पर लागू भी होता है. जैसे देखिए, मान लीजिए जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में 100 परचेज कर रहे थे, ठीक है, सॉरी 100 रुपये में 10 चीज़ें परचेज कर रहे थे, अब प्राइस बढ़ने पर, ठीक है, प्राइस उसकी 120 हो गई, तो अब क्या करेंगे आप, 120 में 10 चीज़ें
परचेज ना करके क्या करेंगे, 8 या 9 परचेज करेंगे। दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, कम हो गई। इस तरीके से क्या बताता है आपका, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस के बीच में रिलेशन बताता है। इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक साइंस है, बट उसके कुछ एक क्रिटिसिज्म भी है। इकोनॉमिक साइंस है नहीं है, इसके देखिए क्या है, मतलब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है इकोनॉमिक्स के साइंस होने के। फर्स्ट देखिए क्या है आर्ग्यूमेंट, अब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इन इकोनॉमिक्स देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कॉन्टेक्स्ट टू अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट इज नॉट डन थ्रू वन मीडियम। देखिए अब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है कि एक इंसिडेंट को आप एक ही तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। वेरियस इकोनॉमिक्स परफॉर्म द स्टडी ऑफ ए गिवन इंसिडेंट थ्रू डिफरेंट मीडियम। हर एक इकोनॉमिक्स अपने हिसाब से स्टडी करता है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती वहाँ। डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं। दिस इज ऑल्सो सेड दैट अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन इकोनॉमिस्ट। इन सच कंडीशन ऑफ डिसएग्रीमेंट द स्कॉलर डू नॉट कंसिडर इकोनॉमिक एज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये तो आपने देखा ही है कि कोई एक डेफिनेशन हम नहीं लेके जा सकते थे, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी, उनके अंदर अलग अलग उनके आर्ग्यूज थे, अलग अलग उनकी एक्सप्लेनेशन थी, तो उस बेसिस पे भी हम नहीं कह सकते कि वो एक साइंस है। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल साइंस इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज मैनकाइंड इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन इकोनॉमिक्स। देखिए साइंस की तरह हम इकोनॉमिक्स को ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स परफॉर्म अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स एंड नॉट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड स्टडी करती है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में वो कुछ स्टडी नहीं करती। एन इकोनॉमिस्ट इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, और इकोनॉमिस्ट भी आपका ह्यूमन बींग है। देयरफॉर हिज व्यू पॉइंट एंड बिलीव्स इन्फ्लुएंस हिज एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स। इसलिए उसके जो सोचने समझने की शक्ति है वो उसके फाइंडिंग्स और एनालिसिस को इफेक्ट करती है। देयरफॉर इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस। इसलिए आप उसे एक ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि उसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करते। आफ्टर दैट इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स लॉज जो है वो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके तरह आपके एग्जैक्ट नहीं है। द रूल्स ऑफ नेचुरल साइंस आर स्टैंडर्ड एंड आर कंप्लीटली फिक्स्ड सच एज लॉ ऑफ ग्रेविटी, बट द रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड। हर एक जो लॉ आपका इकोनॉमिक्स का वो फिक्स नहीं होता, हर एक लॉ में कुछ एक अजम्पशंस लेकर के चलते हैं हम कि अगर ये सारी सिचुएशन हमारे फेवर में रहेगी तभी ये लॉ अप्लाई होगा। ओके, तो ये इसके आर्ग्यूमेंट्स थे। इसके अलावा देखिए क्या है, डेफिनेट फॉरकास्ट इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बिहेवियर स्टडी इन इकोनॉमिक्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विच टेक प्लेस इन ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट फाउंड इन एनी अदर स्फीयर। देखिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम, इसके लिए उनके अंदर जो भी अप एंड डाउन होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपकी स्टडी को। इन सच कंडीशन ऑफ अनडिसाइडेड बिहेवियर एक्यूरेट फॉरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। इस सिचुएशन में आप एक्यूरेट फॉरकास्ट नहीं कर सकते। साइंस हैज फिक्स्ड लॉज एंड फॉरकास्ट मेड बाय देम आर ट्रू। साइंस के फिक्स लॉ होते हैं और वो जो फॉरकास्ट करते हैं वो ट्रू होते हैं, बट अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान दें तो इकोनॉमिक जो है आपकी एक्यूरेट फॉरकास्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ऑल्दो इकोनॉमिस्ट मेक यूज ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स येट देयर यूज इन इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी एज सक्सेसफुल टू द कॉन्टेक्स्ट इट इज इन फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। माना हमने कि इकोनॉमिस्ट जो है साइंटिफिक प्रोसीजर को यूज करता है, बट वो उतने यूजफुल नहीं है जैसे आपके फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस में होते हैं। डिफरेंस इन सब्जेक्ट मैटर इज द मेजर रीजन फॉर दिस। देखिए उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इसका मेन रीजन है। सबसे पहला क्या है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर सिर्फ हम ह्यूमन बींग को स्टडी करते हैं, बट साइंस में हम क्या है नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद एन इकोनॉमिस्ट हैज नो कंट्रोल अपॉन इट्स सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता सब्जेक्ट मैटर पे। द लेबोरेटरी ऑफ एन इकोनॉमिक्स इज द एंटायर वर्ल्ड इटसेल्फ विच इज नेचुरल, ठीक है। एन इकोनॉमिस्ट कैन नाइदर सेपरेट द नेचुरल लिविंग कंडीशन नॉर कैन ही इग्नोर द एक्सटर्नल एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है। ना तो वो किसी को इग्नोर कर सकता, ना ही वो अपने आप को किसी से अलग कर सकता। वाइल फिजिकल एंड केमिकल साइंस हैव सच लेबोरेटरीज विच रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। इसके अलावा जो आपके केमिकल साइंस है उसके अंदर खुद की लेबोरेटरीज होती है जिसके अंदर बाहरी कोई भी प्रेशर नहीं रहता। आफ्टर दैट फिगर्स विच आर कंपाइल्ड एंड यूज इन साइंस आर डेफिनेटली स्टेबल एंड रिलायबल। वो चीज़ें जो हम साइंस में यूज करते हैं वो फिगर्स वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं और रिलायबल होते हैं, उन पर आप यकीन कर सकते हैं। एंड द रिजल्ट एवेल्यूएटेड ऑन देयर बेसिस आर फिक्स्ड एंड ट्रू, और उनके बेसिस पे जो रिजल्ट निकलता है वो भी क्या होता है फिक्स्ड और ट्रू होता है। वाइल द फिगर्स कंपाइल्ड इन इकोनॉमिक्स चेंज कॉन्टिन्यूसली,
पर इकोनॉमिक्स में हम जो फिगर्स यूज करते हैं वो कॉन्टिन्यूस चेंज होती रहती है, देयरफॉर द रिजल्ट एवेल्यूएटेड ऑन देयर बेसिस आर नॉट ट्रू एंड फुल प्रूफ, इसलिए वो बिल्कुल ट्रू हम उसे नहीं कह सकते, ठीक है। सो इट इज ट्रू दैट द पावर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मेकिंग फोरकास्ट इज नॉट रिगार्डेड टू बी कंसिडरेबली फिक्स्ड एंड करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ दैट ऑफ फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि जो फोरकास्ट करते हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है, वो बिल्कुल उतना करेक्ट नहीं होता जितना फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस का होता है। येट ऑन दिस बेसिस इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट ए साइंस, पर सिर्फ इसी बेसिस पे ये कहना कि इकोनॉमिक्स एक साइंस नहीं है वो गलत है। द पावर ऑफ मेकिंग फोरकास्ट एंड सर्टेनिटी डू एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक्स, हाउएवर दिस पावर्स आर लिमिटेड टू सम एक्सटेंट। देखिए, जो फोरकास्ट करने की पावर है वो इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है, बट हम ये बोल सकते हैं कि उसकी जो लिमिट है, हर एक सिचुएशन में वो सही नहीं हो सकती, उसकी कुछ एक लिमिट रहती है, ठीक है। तो आपने अभी तक सिर्फ ये देखा कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स साइंस है तो किस तरीके से, और अगर नहीं है इकोनॉमिक साइंस तो उसके रिगार्डिंग हमने आर्ग्यूमेंट भी यहाँ स्टडी किए हैं, ठीक है, और उस बेसिस पे हमने कंक्लूजन भी निकाला है। क्या कंक्लूजन निकाला है हमने, कि सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि जो इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल करेक्ट फोरकास्टिंग नहीं दे सकती, ये कहना गलत है कि इकोनॉमिक साइंस नहीं है, इकोनॉमिक साइंस होती है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, ओके। और ये जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, ओके स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि मैंने आपको जो आज दो टॉपिक पढ़ाए हैं, एक तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया है, और एक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है, उसको आपको अपने नोटबुक में इन द फॉर्म ऑफ नोट्स अच्छे से नोट्स प्रिपेयर उसके करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन, थैंक यू।